नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन, दो स्पून, मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, चार काली मिर्च, चार लौंग, और जीरा एक चौथाई चम्मच। जीरा भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, तीन चार कलियां काट के रखी थी मैंने। अब लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बाद हम डाल देंगे ये प्याज, प्याज का रंग चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सूखा धनिया, और मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर, तीन टमाटर है ये बड़े साइज के, और दो हरी मिर्च काटी है इसके अंदर। अब इसको ढककर पकाते हैं मसाले को, जब तक ये घी ना छोड़ दे। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे ढककर पकाते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं थोड़ा सा ठंडा करके। तेज पत्ते को मैं निकाल देती हूँ। कढ़ाई में लेंगे हम थोड़ा सा तेल, इसको गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी एक चम्मच, और अब इसमें डाल देंगे ये मटर। एक पाव मटर थे, इनको मैंने छील कर निकाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाला जो हमने पीसा था। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें गरम पानी,
एक दो घूट के बराबर। और अगर आपकी ग्रेवी और भी ज्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर सकते हो। आप इसको ढक देते हैं। पांच मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। और अब इसको हम फिर से ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। 5 मिनट बाद हम सब्जी सर्व कर देंगे। तैयार है मेरी मटर पनीर की सब्जी बनकर। तो आप भी बनाइए अपने घर पे ये स्वादिष्ट मटर पनीर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।